लोग भाग भागते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार पुलिस वाले भी उनके पीछे हैं और उनको भगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं किस प्रकार से पुलिस वाले झड़प भी हो रही है। तो जिस बात की आशंका थी आप लोगों को बता रहे थे कि 4 या 5 बजे का समय दिया जा रहा था बीवीपी की तरफ से कि जामिया के बाहर प्रोटेस्ट करेंगे और भारी संख्या में लोग इकट्ठा होंगे और कहीं ना कहीं दिवाली का जो कार्यक्रम कल था उस कॉन्फ्लिक्ट होता है उसके बाद से लोग मनाने की कोशिश कर रहे थे। आप ये विजुअल्स देख रहे होंगे किस प्रकार से पुलिस वालों से बहसबाजी होती है, उसके बाद से कहीं ना कहीं पुलिस लोगों को भगाने का प्रयास करती है क्योंकि इस बात की आशंका थी कि कल जो घटना हुई थी हिंदू मुस्लिम का एक पक्ष दिया जा रहा था उसको, उसके बाद से पुलिस वाले दौड़ा था। अगर ये अनीस आगे की तरफ दिखाए तस्वीरें तो लगातार पुलिस वाले लोगों को यहां से हटाने का प्रयास कर रहे हैं और भगाने का प्रयास किया जा रहा है। और आगे कनीस आगे की तरफ तस्वीर दिखाएंगे तो उधर भी लगातार लोग जो यहाँ पे इकट्ठा थे वो लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार पुलिस वाले भी उनके पीछे हैं और उनको भगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से लगातार पुलिस वाले यहाँ पे जो लोग इकट्ठा थे वहां पे एबीवीपी के लोग इकट्ठा थे बताया जा रहा था। पहले वो लोग बोले थे हम लोग जामिया में पढ़ते हैं, लेकिन बाद में जब पुलिस वालों से बात हुई तो उन्होंने उनसे पता चला कि ये लोग एबीवीपी के लोग हैं और इकट्ठा हो रहे हैं यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट के लिए। और यहाँ पे देख रहे होंगे सीओ रैंक और एसएचओ रैंक के जो अधिकारी थे, एसआई थे, कांस्टेबल थे, सभी लोग उपस्थित थे। जब उनको ये इस बात की आशंका हुई कि थोड़ी देर में यहाँ पे क्या कोई घटना हो सकती है क्योंकि कल भी ये घटना हो चुकी है, तो उसके बाद पुलिस सतर्क होती है और लोगों को भगाने का प्रयास करती है। और लगातार पुलिस जो यहाँ पे लोग इकट्ठा थे इस बात का अंदेशा था कि कहीं ना कहीं कोई घटना ना हो जाए, तो उसके बाद पुलिस सतर्क होती है और लोगों को भगाने का प्रयास करती है और लगातार पुलिस लोगों को यहाँ से हटा रही है। तो ये हम लोग जामिया से लगभग 500 मीटर दूरी पर खड़े हैं और यहाँ पे जो भी दुकानें हैं, चाय की दुकानें, फल की दुकानें, सब्जी की दुकानें, उन सबों को पुलिस के द्वारा हटाया जा रहा है। कारण क्या है? क्योंकि अंदेशा इस बात का है कि एबीवीपी के जो लोग हैं, जो लोग ये बोल रहे थे कि 4 या 5 बजे तक आएंगे और यहाँ पे सभी लोग इकट्ठे होकर प्रदर्शन करेंगे, तो कहीं ना कहीं यही रास्ता है जिस तरफ से आने की बात की जा रही थी, जिसके बाद से पुलिस वाले सतर्क हो गए हैं और वहाँ पे जो 15 से 20 लोग इकट्ठा थे उन्हें हटाया गया। उसके बाद से लगातार आप देख सकते हैं पुलिस लगातार उन लोगों को आगे की तरफ ले जा रही है और उनको खदेड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो अभी हम लोग सुखदेव विहार ये मेट्रो स्टेशन यहाँ पे देख सकते हैं भारी पुलिस बल तैनात है और इधर देखेंगे तो यहाँ पे जो लोग वहाँ से दौड़ाए गए थे लगातार पुलिस उनका पीछा कर रही है और ये लोग लगातार आगे की तरफ भाग रहे हैं और ये उपस्थित है यहाँ भी। तो यहाँ से पुलिस फिर इन लोग को दौड़ा रही, तो आगे की तरफ जाते फिर रुक जाते, तो लगातार पुलिस समझाने का भी प्रयास कर रही है कि आप लोग भीड़ मत लगाइए क्योंकि जिस प्रकार से कल घटना हुई तो शंका है कि आने वाले समय फिर से कल उस वैसे ही घटना ना हो जिसके बाद से आशंका जताई जा रही थी। और देख सकते हैं लगातार पुलिस उन लोगों को हटाने का प्रयास कर रही है। तो ये देख सकते हैं किस प्रकार से पुलिस वालों से झड़प भी हो रही है लगातार यहाँ पे लोग से, और एबीवीपी के लोग जो है आप देख सकते हैं किस प्रकार से पुलिस वालों के साथ झड़प करने का प्रयास। तो छात्र संगठन के जो लोग हैं लगातार देख सकते हैं किस प्रकार से उनके ऊपर लाठी चार्ज भी किया जा रहा है, लगातार भगाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये देख रहे हैं किस प्रकार से अनिल सर दिखाएं इधर किस प्रकार से लाठियां भी चलाई जा रही है लोगों के ऊपर और भगाने का प्रयास किया जा रहा है इन लोगों को। अनीस अगर उस तरफ एक तस्वीर दिखाएं तो लगातार पुलिस वाले लोगों को हटाने का प्रयास किया जा रहा है और उनके ऊपर कहीं ना कहीं लाठियों का भी प्रयोग करना पड़ रहा है क्योंकि पुलिस की मजबूरी वजह किस प्रकार से देख रहे हैं किस प्रकार से लोगों के ऊपर लाठियां चलाई जा रही है और कहीं ना कहीं हटाने का प्रयास किया जा रहा है।